नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, शरीर में जकड़न से रहती है, हाथ पर काम नहीं करते, तो आज का उपाय इसीलिए हमने बनाया है ताकि आपके काम आ सके। यूरिक एसिड यानी संधिवात आधुनिक जीवन शैली का एक गंभीर रोग है। यूरिक एसिड बनने की समस्या को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हड्डियों के लिए यह अभिशाप की तरह होता है। ज्यादातर केसों में इसे विभिन्न विभिन्न लक्षण देखे जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शरीर में जकड़न देखी जाती है और बाद में छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। बेध्यानी करने पर जब जोड़ों के स्थान से हड्डियां सड़ने लगती हैं तो इलाज मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी में इसके लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियाँ शरीर के लिए नुकसानदायक होने के कारण जो सियाने डॉक्टर हैं इनका प्रयोग सावधानी से करने की सलाह देते हैं। कमजोर पाचन प्रणाली के कारण इस समस्या में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बंद करना जरूरी होता है। साग, पालक, इस जैसे जो खाद्य पदार्थ है वह नहीं लेने हैं। तो आज हम आपके लिए एक नुस्खा लेकर आए हैं जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इस समस्या छुटकारा पा लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं दोस्त उस नुस्खे के बारे में। अर्जुन की छाल। रात को सोते समय 1.5 गिलास साधारण पानी में अर्जुन की छाल का चूर्ण 1 चम्मच और दालचीनी पाउडर 1/2 चम्मच, इनको डालकर आपने चाय की तरह बनाना है और थोड़ा पकने पर छानकर निचोड़कर इसको पीना है। ये आपने 30 से 90 दिन तक करना है। जब 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक इसका सेवन करेंगे तो आपको अपने शरीर में खुद ही फर्क महसूस होने लग जाएगा, आपके जोड़ ठीक तरह से काम करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके साथ कुछ परहेज जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो चाहे जितनी मर्जी असरकारक दवाई हो वो असर नहीं करेगी। इसके लिए जो परहेज है दोस्तों वह है दही, चावल, अचार, ड्राई फ्रूट्स, दाल और पालक, इनको बंद कर देना। रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन अत्यंत हानिकारक है। सबसे बड़ी बात कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना। पानी खाने से 1.5 घंटे पहले या बाद में पीना है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड, अंडा, मांस, मछली, शराब और धूम्रपान, इनको बिल्कुल बंद कर देना है। इन प्रयोगों से आपकी यूरिक एसिड की समस्या, हार्ट की कोई भी समस्या, जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत आराम आएगा इस नुस्खे से। और रोग की गंभीरता को देखते हुए ये प्रयोग लंबा चल सकता है। निरंतरता और धैर्यता बनाए रखें, बहुत असरकारक उपाय है, इससे आप निराश नहीं होंगे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी यूरिक एसिड के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।